आगे बढ़ेंगे और अब बात सूर्य यान की, आदित्य L1 जो कि अब किसी भी वक्त खुशखबरी देश को दे सकता है, इसरो के लिए बड़ी कामयाबी का ये पल होने वाला है। चंद्रयान 3 की सफलता जो हम सभी ने देखी और उस पल के हम गवाह भी बने, और आज इसरो अंतरिक्ष में इतिहास रचने वाला है, जहां नया कीर्तिमान रचने के लिए इसरो तैयार है। सूर्य मिशन आज शाम 4 बजे L1 पॉइंट पर एंट्री लेगा। सूर्य मिशन में सूर्य के रहस्यों से पर्दा हटाया जाएगा। यहाँ भारत की पहली अंतरिक्ष ऑब्जर्वेटरी है आदित्य L1। L1 पॉइंट पर 5 साल तक रहेगा और 5 साल तक रहकर सूर्य का अध्ययन करेगा। यानी आदित्य L1 126 दिन से जो कि अंतरिक्ष में है, सफर पर है। सफर पर होने के बाद आज वो घड़ी आ गई है जब मंजिल तक पहुंच जाएगा आदित्य L1। यानी कि जिस पॉइंट पर पहुंचना था, जिस जगह पर पहुंचना था, वहां आदित्य L1 बताया जा रहा है शाम करीब 4 बजे वो वक्त रहेगा जब एंट्री उस पॉइंट पर ले लेगा। लैंग्रेज 1 पॉइंट जो बताया जा रहा है जहां पर आदित्य L1 की एंट्री होनी है, और वहीं पर रहकर 5 साल तक अध्ययन सूरज के बारे में करेगा। सूरज जहां तपिश कितनी रहती है, सूरज जहां तूफानों को लेकर जानकारी, मौसम को लेकर जानकारी, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं जिस पर आदित्य L1 अध्ययन करने वाला है। सूरज के किनारों की तपिश को लेकर अध्ययन होगा, सूरज पर उठने वाले तूफानों के बारे में आदित्य L1 जानेगा, तापमान का पैटर्न क्या रहने वाला है उसका अध्ययन होगा, सूरज का वायुमंडल कैसा है, सूरज किरणों से पृथ्वी पर असर किस तरीके से होता है, ये सभी वो पॉइंट्स हैं जिन पर अध्ययन आदित्य L1 करेगा। ये जो आदित्य L1 सोलर ऑब्जर्वेटरी है, तो ये आज शाम को 5 बजे इसरो द्वारा उसे उसका जो हेलो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में वो उसको स्थित करने वाले हैं, और आज के बाद फिर सतत 5 वर्ष यह सूर्य का जो डायनामिक्स है, सूर्य का जो वातावरण है, उसके बारे में जानकारी वो हमारे से बने जो बेस स्टेशन है इसरो का, उसके साथ साझा करने वाले हैं। और ये जो जानकारी है, ये जानकारी केवल भारत के दृष्टि से नहीं तो पूरे विश्व के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट इस तरह से होगी। भारत का ये पहला ही सोलर मिशन है, और करीबन 2 सितंबर को ये लॉन्च किया गया था, और आज करीबन 5 महीने के बाद उसको उसका जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। इसकी लॉन्चिंग हुई थी, करीब 4 महीने का वक्त गुजर चुका है और 4 महीने बाद अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला है आदित्य L1, जिसको लेकर वैज्ञानिक भी नजर बनाए हुए हैं, इसरो की पूरी टीम की निगाहें हैं, और देश भी इस निगाह से देख रहा है कि भाई इसरो के नाम एक और सफलता। और जैसे अभी आपने एक्सपर्ट को सुना, ये सिर्फ देश नहीं बल्कि विश्व के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि है और एक ऐसा कदम जिस पर विश्व जानना चाहेगा। सूर्य का अध्ययन होगा और सूर्य के बारे में जानकारियां जुटाने का काम आदित्य L1 करेगा। 2 दिसंबर 2023 को भी स्पेशल रिपोर्ट्स इंडिया न्यूज ने आज तक पहुंचाई थी, और अब जब 4 महीने का करीब सफर पूरा हो गया है आदित्य L1 का, यानी कि जो सफर पर था आदित्य L1 वो आज मंजिल पर पहुंच रहा है। खर्च करीब 400 करोड़ का आया है इसकी लॉन्चिंग से लेकर इसके पहुंचने तक, और आगे चूंकि 5 साल अब यहीं पर रहकर आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन को पूरा करेगा, सूर्य की स्टडी करेगा, वहां के तापमान को लेकर, वायुमंडल को लेकर, सूरज की तपिश को लेकर, उसकी किरणें कैसे पृथ्वी पर जाती हैं, ये सभी बातें, सोलर विंड का अध्ययन, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं जिस पर आदित्य L1 अब काम करेगा। और इसरो निगाह बनाए हुए है, पहले से टीम तैनात है, तैयार है, शाम 4 बजे का इंतजार है। इस पर बात करेंगे हम, डॉक्टर W. सिल्वामूर्ति हमारे साथ हैं जो कि सीनियर वैज्ञानिक हैं DRDO से, उनसे हम बात करेंगे कि कैसे वो इस उपलब्धि को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि देश ही नहीं बल्कि विश्व की निगाह बनी हुई है, कई देशों की निगाह बनी हुई है आदित्य L1 पर। और साथ ही साथ अक्षित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली नेहरू तारा मंडल से, क्योंकि वहाँ भी टीम अब इस पर निगाह रख रही है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग के दिन भी हमने इसी तरीके की तैयारी की थी, आज मंजिल पर पहुंचने का दिन है। अक्षित, पहले मैं आपका रुख कर लेती हूं, दिल्ली नेहरू तारा मंडल में किस तरह की हलचल आज है, आदित्य L1 आज अपनी मंजिल के अब बेहद करीब है। जी बिल्कुल, देखिए चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आज एक बार फिर से भारत के लिए और भारत के स्पेस सेक्टर के लिए, स्पेस साइंस के लिए
बहुत बड़ा दिन है। हम अभी नेहरू तारामंडल में हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ की गई है। आप देख सकते हैं किस तरह के लिए किस तरह से लोगों को समझाने के लिए कि आदित्य L1 मिशन जो कि सोलर मिशन है भारत का, वो किस क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो किस तरह के से जो L1 पॉइंट पे लैंड करेगा, यहाँ पर बोर्ड्स वगैरह लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं स्क्रीन भी लगाई गई है जिससे लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि आदित्य L1 मिशन के क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं। तो आपको बता दें कि आज जो है सबसे ज़्यादा क्रूशल फेज़ है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 4 बजे के करीब जो है लैंडिंग देखने को मिल सकती है L1 पॉइंट पर। क्योंकि जब हम बात करते हैं L1 पॉइंट की, तो L1 पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर सूरज और पृथ्वी के बीच में जो इक्विलिब्रियम है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको बैलेंस आउट जो बैलेंस रहता है वहाँ पर। तो काफ़ी रिसर्च के बाद जो है उस पॉइंट को चूज किया गया है और उसी पॉइंट से जो सूरज का डिस्टेंस है वो खैर वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो डेटा कलेक्ट हो पाएगा वहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा, ना ही केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके क्या मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो सोलर ऑब्जर्वेशन जो है एक मेन ऑब्जेक्टिव इसका माना जा रहा है, जिसमें सन के सरफेस के बारे में और सोलर विंड्स के बारे में स्टडी की जाएगी। साथ ही साथ ये वेदर स्टेशन की तरह भी काम करेगा, क्योंकि वहाँ पर ये डेटा कलेक्ट करेगा, फिर उसके बाद डेटा की मॉनिटरिंग होगी और उससे अर्थ के क्लाइमेट के बारे में और सन के आसपास के क्लाइमेट के बारे में और ज़्यादा रिसर्च करने में साइंटिस्ट को मदद मिलेगी। और साथ ही साथ आउटर कोरोना का जो टेम्परेचर है उसके बारे में स्टडी भी होगी, क्योंकि शुरू से आउटर कोरोना का टेम्परेचर सन के सरफेस से ज़्यादा रहा है, तो ये एक कहीं ना कहीं अपने आप में मिस्ट्री रही है। तो उसके बारे में जब डेटा कलेक्ट होगा तो वो भी साइंटिस्ट को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। आपको बता दें तो इस मिशन के जो हैं काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स हैं, देश ही नहीं बल्कि विश्व की निगाहें बनी हुई हैं आदित्य L1 पर। अक्षित आप रहिएगा हमारे साथ, डॉक्टर सेल्वा मूर्ति का मैं रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर सेल्वा मूर्ति, जैसे कि अक्षित ने कहा कि सूर्य से जुड़े बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिन पर अध्ययन अब होगा अगले 5 साल तक, एक वैज्ञानिक तो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है आदित्य L1 का मंजिल तक पहुंचना, फिर आगे सूर्य के बारे में अध्ययन करना, वो जानकारी जुटाना और उस पर वैज्ञानिकों की रिसर्च, तमाम तरह की बातें, इस पर देश ही नहीं विश्व की निगाहें हैं। लेकिन अगर एक आम नागरिक ये जानना चाहे कि भाई चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब आदित्य L1 की लॉन्चिंग से लेकर अब तक का सफर और अब अपनी मंजिल तक पहुंचना, ये किस किस मायने में खास है और इससे क्या फायदा होगा? थैंक यू, धन्यवाद। पहले मैं इसरो साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस को, जो कोई भी इस मिशन में भाग ले रहे हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि अब तक ये मिशन 4 महीने का मिशन सक्सेसफुल हुआ है। अभी 4 अर्थ ऑर्बिटल मिशन को कंप्लीट करके फिर 5वां अभी इन्होंने को L1 दी हैलो ऑर्बिट तक आने तक, अभी पहुंचने तक इन्होंने मेहनत किया है, उनके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिशन है, क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट को वहाँ तक लेके जाने का वो बहुत चैलेंजेस है। ये सब सक्सेसफुली अभी तक इस L1 आदित्य मिशन L1 में सफल हुआ है, इसके लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। इस मिशन हमारा देश के लिए और दुनिया के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सन आदित्य ये हमारा सोलर सिस्टम में बहुत लार्जेस्ट मास है, ये मेजर सिस्टम सोलर सिस्टम में आदित्य की बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पूरा टेम्परेचर हीट और लाइट ये सब इस सोलर सिस्टम में आदित्य से आ रहा है और सन से आ रहा है, और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतने स्ट्रांग है और पूरा प्लैनेट्स को अपने अपना स्थान पे अपना अपना ऑर्बिट में रखने के लिए और डिसिप्लिन से वो रोटेट करने के लिए ये पूरा कंट्रोल ये आदित्य के पास है। दूसरा है ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, सन के अंदर इतना फ्यूजन होता है, हर सेकेंड 620 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन को एक सेकेंड में फ्यूज करता है और कन्वर्ट करता है हीलियम, जिससे वो एनर्जी पैदा करता है
वो 15 मिलियन केल्विन एनर्जी, 15 मिलियन केल्विन एनर्जी पैदा करता है। सो ये एनर्जी दूसरे बाहर आ रहा है, क्योंकि इसको स्टडी करने के लिए पहले तो टेम्परेचर, फिर उसको उसको बोलते हैं सोलर एरप्शंस, एरप्शंस भी होता है। और ये प्लैनेट, ये सोलर सन इतना महत्वपूर्ण न्यूक्लियर रिएक्टर है, और उससे प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन होता है, जिससे हमारे लिए एनर्जी मिलता है पूरा दुनिया के लिए, और हम जिंदे हैं, और हमारा हम लाइफ एग्जिस्ट है इस प्लैनेट में, क्योंकि वो टेम्परेचर की वजह और एनर्जी लेवल वहाँ सन से आ रहा है। इसी इसी से अर्थ में अभी बायोस्फीयर, होल बायोस्फीयर उसके डिपेंडेंट है। फिर वो हाँ, उसके डिफरेंट लेयर्स होता है। एक तो कोर होता है, कोर कोर ऑफ दी सन, फिर उसके बाद क्रोमोस्फीयर, देन फोटोस्फीयर, देन कोरोना। ये सब लेयर्स है अराउंड द सन। सो कोरोना से सोलर इरप्शन वहां होता है, जिससे आयोनिक फ्लैश, प्लाज्मा चेंजेस और मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, ये सब वहां से निकलता है, जिससे वो सोलर सिस्टम में क्लाइमेट, टेम्परेचर, एटमोस्फियर सबको ये रेगुलेट करता है। फिर ये मैग्नेटिक स्टॉर्म जब नीचे पहुंचता है अर्थ के ऊपर, उसको भी बायोस्फियर को इन्फ्लुएंस करता है। अभी कुछ एक्सपेरिमेंट्स एनजीआरए, हमारा लेबॉरेटरी है, नेशनल जियोग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जियो मैग्नेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है, जिससे इन्होंने कोरिलेट किया है, कभी भी सोलार फ्लेयर होता है सन से, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म, मैग्नेटिक स्टॉर्म आता है, और दिस इससे इवन कोई एक्सीडेंट होता है, कोई अबनॉर्मल बिहेवियर होता है, इवन अवर मेंटल हेल्थ अफेक्ट होता है। ये सब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे सन से ये सब हम सीख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से, आदित्य L1 से। अभी 4 बजे हम पहुंचने वाले हैं, इससे 7 पेलोड है। इस पेलोड में 4 सन को देखते रखता है, उसको पूरा बिहेवियर, कितना इरप्शन हो रहा है, मैग्नेटिक स्टॉर्म आ रहा है, और आयोनिक फ्लक्स होता है, प्लाज्मा चेंजेस हो रहा है, सन सरफेसेस में क्या क्या हो रहा है, 4 पेलोड उसको देखता है। देन 3 पेलोड है अभी L1 पॉइंट में, वहां तक क्या क्या चेंजेस इससे हुआ है, ये सब देखेंगे। सो इसमें मिशन में जी 7 पेलोड है। सो जिससे हमें पता चलेगा क्या क्या चेंजेस सोलर सरफेस में होता है, जिससे L1 पॉइंट तक क्या क्या चेंजेस आता है, और L1 में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, जिससे हमारा प्लैनेट अर्थ को भी इन्फ्लुएंस करेगा, ये सब स्टडी कर सकते हैं। जी आपने इसलिए ये बहुत अभी सिंपल लैंग्वेज बेसिक में, डॉक्टर सेल्वा मूर्ति, आपने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया आम इंसान के लिहाज से कि कैसे आदित्य L1 पर निगाहें सभी की हैं और कौन कौन से पॉइंट्स पर अध्ययन करेगा और कैसे वो साइंटिस्ट के लिए जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वैज्ञानिकों के लिए बड़ी बात है, आज बड़ा दिन है, इसरो के लिए बड़ा दिन है, देश के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि पहले चंद्रयान 3 की सफलता और अब आदित्य L1 का मंजिल पर पहुंचना। अक्षित बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर सेल्वा मूर्ति आपका भी शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो शाम 4 बजे का इंतजार है, इसरो के वैज्ञानिक नजरें टिकाकर